हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दिस इज योर फ्रेंड रोहित हियर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कुछ ही दिन बचे हुए हैं सीवीटी एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली थोड़े से नर्वस होंगे, बट देखिए ये कुछ गाइडलाइंस है आपको दिमाग में रखनी है, जिससे आपको माइंड कूल रखने में हेल्प होगी एग्जाम में भी और एग्जाम से पहले भी। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट गाइडलाइन आई हैव फॉर यू, रिव्यू कोर कंसेप्ट। तो जो भी आपने पढ़ा है, एफर्ट डाला है प्रिपरेशन के जर्नी में, तो वो एग्जाम में भी याद हो, अप्लाई कर पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू करिए कंसेप्ट को और फॉर्मूलेज वगैरह देख लेना एक बार। सेकंड, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशल, बिकॉज आपको लिमिटेड पीरियड्स में क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो टाइम का प्रेशर ऊपर से रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहले से ही ये टाइम प्रेशर की प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, जिससे आपको पता चले कि हमारे पास जो गिवन टाइम है उसमें क्वेश्चन पेपर पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल। रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज एंड कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मुलेज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वरना आपने प्रिपरेशन में सॉल्व किए बहुत सारे क्वेश्चन, बट एग्जाम में एग्जैक्टली फॉर्मूले याद नहीं आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करके जाओ। फोर्थ, सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि यूनिट टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया आ जाता है एग्जाम की डेप्थ का, एग्जाम के लेवल का। ठीक है, उसके बाद रिलैक्स एंड रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को कूल रखना, बिकॉज देखिए अगर माइंड कूल होगा तभी आप रिकॉल कर पाओगे, अगर आप पैनिक कर जाओगे तो कोई भी चीज़ें याद नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूल एंड कंपोज रहना। लास्ट हैव हेल्दी एंड लाइट फूड। जितना आप अच्छा खाना खाओगे उतना ही अच्छे ख्याल आएंगे। ठीक है, लाइट फूड प्रेफर करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू काम योर माइंड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप बच्चों याद रख सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चिल करिए, रिलैक्स करिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बहुत सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।